बुधवार को सरकार की विकास यात्रा धमतरी पहुंची। मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्रकर, सांसद चंदूलाल साहू भी आम सभा में मंचस्थ हुए। लगभग 5,000 की भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धमतरी में अपने स्वागत के लिए जनता का आभार जताया। सरकार की 15 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए विकास यात्रा को सफल एआर समर्थक बताया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 60 साल और मोदी के 4 साल के साथ राहुल गांधी की सीट अमेठी और दंतेवाड़ा के विकास की तुलना करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जिले के गणमान्य नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाना है, जिसके लिए आमंत्रित करता हूँ कालिदास सिन्हा जी को। बहुत ही हर्ष का विषय है और आनंद का विषय है कि आज धमतरी में उत्सव और त्योहार का माहौल है, जो कि हम सबके अगवा और सब गांव गरीब किसान के प्रिय नेता, जन जन के नेता, यशस्वी नेता को क्रमशः आमंत्रित करूंगा। वो कृपया अनुशासन बनाते हुए क्रम स्काई योजना, गांव गांव में कनेक्टिविटी की बात होती है, मोबाइल की बात होती है, इंटरनेट की बात होती है। अब अबुजवाड़ जैसे जगह में भी जाता हूं तो वहां मांग सड़क पुलिया स्कूल का तो करते हैं, मगर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने स्काई योजना निकाली। इस स्काई योजना के तहत आने वाले 3-4 महीने में छत्तीसगढ़ के 50 लाख लोगों के हाथ में निःशुल्क हम स्मार्टफोन का वितरण करने वाले हैं। 50 लाख परिवार अपना अपना मोबाइल निकाल के एक बार चला के तो दिखा दे 50 लाख मोबाइल कैसा होता है। धमतरी के लोगों को देखना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल हाथ में लेकर एक बार ऐसा करके स्वागत करिए कि 50 लाख पीछे वाले भी आगे वाले भी जिनके पास मोबाइल है मोबाइल का निकाल कर इस स्काई योजना के पीछे वालों से भी आग्रह करूंगा, इधर भी इधर बैठे हुए लोग मोबाइल हाथ में ले लें और मोबाइल को हाथ में लेके उसको जलाने का, हाथ में लेना नहीं है, उसमें जो टॉर्च होता है उसको जलाने का काम कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा तो पड़ोसी जला देगा। ये दीप इसलिए जला रहा हूं कि दीप जब ये मोबाइल स्मार्टफोन होगा तो उस विजय यात्रा को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप सबने जिस प्रकार स्थायी योजना का स्वागत किया, शहर में स्वागत किया, उनको नया हौसला दिया, मेरे वंश में बैठे भी सभी साथियों को यह विश्वास दिलाया कि धमतरी साथ में है, धमतरी तैयार है और आने वाले कल फिर से एक बार 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में 50 लाख स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया और इसके लिए लोगों से अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर समर्थन मांगा। यहां सीएम अनोखे अंदाज में दिखे। आशीर्वाद लेके इस विकास यात्रा का प्रारंभ हो रहा। आज 23 मई धमतरी पहुंचा हूं। धमतरी के प्रवेश के साथ कितना अद्भुत और स्मरणीय आत्मीयता भरा स्वागत धमतरी वासियों ने किया।
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सवेरे 9 बजे से चला हूँ, 1500 से 2000 लोग रहते थे वहां पर आश्चर्य करेंगे। गर्मी में, धूप में, 40-40 डिग्री के टेम्परेचर में दंतेवाड़ा, सुरपुर, बीजापुर, नारायणपुर में 30,000-40,000 लोग दो दो घंटे इंतजार करते हैं। जो लोग ये कहते हैं पास घूमने निकले हैं, उनको धमतरी की सभा में आके देख लेना चाहिए। विकास के साथ जुड़ने वाले कितनी बड़ी संख्या में पूरा जिला है, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो उत्साह में देख रहा है सभी समाज के लोग बाहर निकले, अलग अलग समाज के लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत किया। मैं तो कई बार इस दिवस के उत्साह को देखकर इस बात का एहसास मेरे मन में होने लगा कि विकास यात्रा है या विजय जुलूस है, दोनों में मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा था। ऐसा उत्साह यात्रा में मैं क्या कर रहा हूं, 12 लाख किसानों को 1700 करोड़ बांटना, इसको क्या कांग्रेस रोकना चाहती है? 1700 करोड़ बोनस, आप धमतरी में 100 करोड़ से ज्यादा का बोनस आप अपने घर नहीं पहुंचोगे, आपके खाते में जमा हो जाएगा 1,000 करोड़ का बोनस। क्या कांग्रेस इसको रोकना चाहती है कि धमतरी के किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 1700 करोड़ रुपया ना मिले? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, कभी बोलते हैं बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा, जब देना होगा बोलते हैं कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराने के लिए रुकते हैं। ये अजीब खेल राजनीति का मैंने समझ नहीं है कि बोनस का विरोध, हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ पिटीशन लगाने की साजिश, हमारी सारी साजिश जनता को साफ दिखता है। बोनस छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को मिल रहा है, 700 करोड़ का बोनस इस विकास यात्रा में पटने वाला है। 1700 करोड़ का धान का बोनस पटने के लिए सीढ़ी जारी करने वाले लोग कैसे भी है छत्तीसगढ़ में कब्जा करना चाहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की जनता उनकी चेहरे को पहचानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय की कल्पना, उसके सपना को साकार करने वाले लोगों की पार्टी है। इस राज्य के निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, करोड़ों लोगों ने जो सपना देखा, गांव गांव में आज विकास की जिस कल्पना को साकार करने का काम, विकास यात्रा को रोकना क्यों? इस विकास यात्रा में 6,40,000 घरों में रोशनी पहुंचाने का संकल्प हम लेके चले हैं। आने वाले 4-5 महीने के अंदर में छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसके घर में बिजली ना लग जाए 100% बिजली। 1600 पारे टोले मजरे में विद्युत पहुंचाने का काम इस विकास यात्रा में हम करने जा। अंत में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधानसभा के लिए जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा, ना कि फोटो राजनीति करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन और 2-1.5-2 घंटे का जबरदस्त रोड शो, मैं 15 साल से धमतरी आ रहा हूँ विभिन्न कार्यक्रम में, महाराज शहर का मूड बदला हुआ था, पूरा शहर आज सड़कों में था। माताओं का आशीर्वाद, युवकों का उत्साह, घर से निकल से दुकान से निकल के लोग इस विकास यात्रा के स्वागत कर रहे थे। ऐसे ही विकास यात्रा जब 12 तारीख को दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुआ, उतना ही जोश करो सभी जगह में, मगर धमतरी का आज ऐतिहासिक सभा भी हुआ। और धमतरी विकास में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या था धमतरी और आज छत्तीसगढ़ के सारे मापदंड में धमतरी ने अपना उच्च स्थान बनाया, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्वच्छता अभियान का हो, यहाँ के विकास के अलग अलग पैरामीटर में धमतरी ने महत्वपूर्ण स्थान किया है। ओडिया सबसे पहले बनने का काम इसने किया, ग्रामीण विस्तार के काम और नरेगा के काम में बेहतर काम किया है, यहाँ के बाईपास और दूसरे कामों में NH के काम में रफ्तार बढ़ा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करती है, और विकास यात्रा का विरोध, जिस विकास यात्रा में 1700 करोड़ का बोनस, 700 करोड़ का तेंदुपत्ता का बोनस बट रहा है, 1200 पट्टे बट रहे हैं, 18 लाख उज्ज्वला गैस सौर सुजला में उनके पंप बट रहे हैं 1000, और लोगों के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा है उज्ज्वला योजना में, मुझे समझ में नहीं आता विकास यात्रा का विरोध क्यों, न्यायालय जाने की जरूरत क्यों।
विकास यात्रा तो जनता के दरबार में विकास के काम को ले जाना है, उनसे आशीर्वाद लेने की यात्रा है। और इस यात्रा की सफलता से उनके मन में परेशानी आ रही है, क्योंकि 15 साल उन्होंने विकास का विरोध किया, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले 15 साल में उनकी यही स्थिति होनी है।